हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम अपने इकोनॉमिक्स के सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और वो चैप्टर है यूटिलिटी एनालिसिस का। तो स्टूडेंट्स आज आप ये जानेंगे कि यूटिलिटी क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं और उसके एग्जांपल्स क्या हैं। तो आप बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में और देखते रहें इस वीडियो को। स्टूडेंट्स यूटिलिटी मीन्स वॉट, यूटिलिटी का मतलब क्या, तो जल्दी से बता दूं स्टूडेंट्स, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट, या दूसरे शब्दों में इन अदर वर्ड्स हम ऐसे भी कह सकते हैं, यूटिलिटी इज द वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड। यूटिलिटी इज द वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड। इसका सिंपल मतलब क्या बनता है, इसका सिंपल मतलब ये बनता है स्टूडेंट्स कि अगर किसी कमोडिटी में, किसी प्रोडक्ट में, किसी गुड में ये पावर है कि वो आपके इच्छाओं को पूरा कर सके, आपके वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर सके, यानी हमारे ह्यूमन नीड्स, हमारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके, फुलफिल कर सके, तो अगर प्रोडक्ट के अंदर, कमोडिटी के अंदर, गुड्स के अंदर ऐसा पावर है कि वो आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, तो ऐसे पावर को, ऐसे कैपेसिटी को जो उस प्रोडक्ट के अंदर है, उस पावर को, उस कैपेसिटी को नाम दिया जाता है इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी। स्टूडेंट्स चलिए मैं जल्दी से इस यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रखता हूँ। स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल लेते हैं थर्स्टी पर्सन का, जो बहुत ज्यादा प्यासा है और उसे अपनी प्यास को बुझाना है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं अगर हमें प्यास लगी हो और हमें बहुत ज्यादा थर्स्टी फीलिंग हो रही हो तो हम ड्रिंकिंग वाटर लेकर पानी पी लेते हैं, ड्रिंकिंग वाटर लेकर उसे ड्रिंक कर लेते हैं और हमारी प्यास को हम बुझा लेते हैं। तो यहां पर इसका मतलब कैसे समझेंगे हम कि यूटिलिटी कैसे हुआ। स्टूडेंट्स यहां पर जो पानी है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, उस ड्रिंकिंग वाटर को पीने से हमारी जो प्यास है वो बुझ जाएगी, यानी हमारी वॉन्ट सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि उस ड्रिंकिंग वाटर के अंदर वो पावर है, वो कैपेसिटी है कि वो हमारे वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर दे, उस ड्रिंकिंग वाटर में हमें यूटिलिटी मिल रही है। दूसरा एग्जांपल रखूंगा एक स्मोकर का। स्टूडेंट्स स्मोकर यानी वो पर्सन जो सिगरेट पीता है, अब उसे अगर सिगरेट पीनी हो तो वो अपनी सिगरेट पीने की वांट को पूरा करने के लिए सिगरेट बाय करेगा, सिगरेट लेगा और उसे स्मोकिंग करना शुरू करेगा। स्टूडेंट्स यहाँ सिगरेट को लेकर, स्मोकिंग करने से उसकी सिगरेट पीने की वांट जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी हम ये कहेंगे कि सिगरेट के अंदर उसके लिए यूटिलिटी है। तीसरा एग्जाम्पल लूंगा स्टूडेंट्स, ओके, और वो एग्जाम्पल होगा कि मान लीजिए बारिश हो रही है, तेज बारिश, और आपको घर से बाहर निकलना है, तो उस वक्त घर से बाहर निकलने के लिए आप ये सोचेंगे कि किस तरह से निकले ताकि आप ज्यादा भीगे ना, या आप भी बारिश के भीगने से बच जाए। तो स्टूडेंट्स आप अपने साथ या तो रेनकोट लेंगे या तो अपने साथ अम्ब्रेला लेंगे ताकि वो आपको बारिश से भीगने से बचने में मदद करे। तो यहाँ अम्ब्रेला और रेनकोट के अंदर हम ये कहेंगे कि उनके अंदर यूटिलिटी है कि वो हमारे उन वॉन्ट्स को पूरा करे, यानी बारिश से भीगने की जो हमारी वॉन्ट है उससे बचने में हमारी मदद करे। तो ये कुछ अलग अलग एग्जाम्पल्स मैंने रख दिए ताकि आप समझ सकें स्टूडेंट के यूटिलिटी क्या है, उसका कॉन्सेप्ट हम कैसे कंसीडर करते हैं, कैसे समझ सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और जल्दी से लेते हैं हम अपने फीचर्स के पार्ट को, जो हमें आज सीखना है, और वो है हमारा फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमें दिया है वो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट जो आपको दिख रहा है वो है रिलेटिव कॉन्सेप्ट, वो है रिलेटिव कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स आपको यह समझना होगा यूटिलिटी इज अ रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। स्टूडेंट्स हमेशा आपको बात ध्यान में रखनी होगी कि यूटिलिटी एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, यूटिलिटी दो चीजों के साथ हमेशा रिलेट और कनेक्ट माना जाता है, वो चीजें हैं टाइम यानी समय और प्लेस यानी जगह। इट वेराइज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस, ऐसा कहते हैं कि यूटिलिटी जो है वो समय के साथ और प्लेस के हिसाब से बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो एग्जाम्पल बनता है वूलन क्लोथ्स हैव अ ग्रेटर यूटिलिटी इन द विंटर। वूलन क्लोथ्स यानी जो गर्म कपड़े होते हैं, स्वेटर्स है, जैकेट्स है, शॉल्स है, उनका हमारे लिए ज्यादा यूटिलिटी विंटर सीजन में होता है, यानी ठंडे सीजन में होता है। और ये तो बात हो गई टाइम की, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम में यानी ठंडी के टाइम में हमें वूलन क्लोथ्स की ज्यादा यूटिलिटी होती है, जबकि समर सीजन में उसका कोई जरूरत नहीं लगता। सेकेंड एग्जाम्पल अगर प्लेस के हिसाब से हम ले लें तो हमारे पास टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल है सैंड हैज ग्रेटर यूटिलिटी एट द कंस्ट्रक्शन साइट देन एट द सी शॉर, यानी वो हमसे यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो सैंड होती है, जिसको आप रेत भी बोलते हो, रेत, स्टूडेंट्स उस रेत का ज्यादातर यूटिलिटी कंस्ट्रक्शन साइट पर होता है, जहां बिल्डिंगें वगैरह बनाई जाती हैं, कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, और रेत का कम यूटिलिटी सी शॉर पर यानी समंदर के किनारे पर होता है। तो पहला पॉइंट रिलेटिव कॉन्सेप्ट का जो आपको याद रखें। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और लेते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट को जो आपके स्क्रीन पर है। सेकेंड पॉइंट हमारा जो दिया है स्टूडेंट्स वो है सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट।
स्टूडेंट्स सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट हमारा सेकंड पॉइंट है और इसमें हमें बताया गया कि यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का मतलब इट इज रिलेटेड टू योर माइंड, ये आपके माइंड से आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड होती है। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यूटिलिटी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, क्योंकि लोगों के जो अपने अपने टेस्ट होते हैं, प्रेफरेंस होते हैं, लाइक्स होते हैं, डिसलाइक्स होते हैं, उनकी हैबिट्स होती है, उनके प्रोफेशन होते हैं, उनका नेचर जो होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से यूटिलिटी जो है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है। यहाँ पर एग्जाम्पल जो हमारे सामने रखा गया है वो है स्टेथोस्कोप हैज यूटिलिटी टू अ डॉक्टर बट नॉट टू अ लेमैन। यानी स्टेथोस्कोप से यूटिलिटी डॉक्टर को मिलेगी क्योंकि वो पेशेंट्स को चेक करेगा, बट लेमैन को इससे कोई भी यूटिलिटी नहीं मिलेगी या स्टेथोस्कोप उसके लिए किसी भी तरह से इंपॉर्टेंट नहीं होगा। और जल्दी से लेते हैं हमारे तीसरे पॉइंट को जो आपके स्क्रीन पर है, और तीसरा पॉइंट है एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स आपको ये समझना होगा कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी है इसका कोई भी एथिकल कंसिडरेशन नहीं, नो एथिकल कंसिडरेशन का मतलब ये आपको एथिकली राइट चीजें या रॉन्ग चीजों के बारे में कुछ नहीं बताता। यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है उसके बारे में एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यूटिलिटी एक न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है, ये एक कलर मॉरली कलरलेस कॉन्सेप्ट है, ये एक मॉरली कलरलेस कॉन्सेप्ट है। यानी ये यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्या सही है, क्या गलत है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता है। यहाँ पर वो सिर्फ ये कहता है ओके द कमोडिटी शुड सेटिस्फाई एनी वांट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज गुड और अ बैड, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। एग्जाम्पल ले लूं, अ नाइफ हैज अ यूटिलिटी टू कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एज वेल एज इट कैन बी यूज टू हार्म समवन। यानी जो नाइफ होता है जिसे आप छुरी भी कहते हो, चाकू भी कहते हो, उस नाइफ उस छुरी उस चाकू से स्टूडेंट्स हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी कट करते हैं, और उसी छुरी उसी नाइफ से हम किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, हम किसी की जान तक भी ले सकते हैं। तो है नाइफ लेकिन उसके गुड यूज भी हैं और उसके बैड यूज भी हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा पर्सन उसका इस्तेमाल किस तरीके से करता है। जैसे आपकी मम्मी नाइफ को या छुरियों को लेकर गुड यूज करती है, वो उनसे फ्रूट काटती है, वेजिटेबल्स काटती है, लेकिन एक चोर जो होता है ओके वो उस चाकू की मदद से लोगों को डराता है, उनके पिक पॉकेटिंग करता है, उनकी चीजें छुरा लेता है और कभी कभी तो उन्हें इंजर्ड भी कर देता है, हार्म भी कर देता है, तो वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए ये कहा जाता है कि यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है। यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट ना आपको पॉजिटिव चीजें बताता है और ना ही वो आपको नेगेटिव चीजें। जल्दी से ले लेता हूं मैं अपने फोर्थ पॉइंट को, और फोर्थ पॉइंट है हमारा यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। स्टूडेंट्स याद रखिए यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। वो एक कैपेसिटी है जो प्रोडक्ट्स के अंदर होती है और वो लोगों के वांट्स को सेटिस्फाई करने वाला पावर या कैपेसिटी होता है। आगे जल्दी से हम बढ़ जाएं और यहाँ पर हम देखें कि यूजफुलनेस का मतलब क्या है। यूजफुलनेस वो चीज़ होती है जिससे ये पता चलता है कि कोई चीज़ आपके लिए कितनी यूजफुल है और उससे वैल्यू इन यूज क्या मिलने वाला है, यानी वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमें यूटिलिटी मिल सकती है लेकिन वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होती, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे को यूटिलिटी भी देती हैं और हमारे लिए यूजफुल भी होती हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पर हमारे सामने जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है हमारा मिल्क का, जिससे हम ये देख सकते हैं कि मिल्क से लोगों को यूटिलिटी भी मिलती है, यानी वो उनके वांट को सेटिस्फाई भी करता है और साथ ही साथ मिल्क जो है वो हमारे लिए यूजफुल भी होता है, हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है। लेकिन अगर हम लिकर की बात करें, शराब की बात करें, दारू की बात करें, तो लिकर शराब या दारू जो है उससे यूटिलिटी एक एडिक्टेड पर्सन को तो मिल जाएगी, यानी वो तो जरूर खुश हो जाएगा, उसको उसमें से यूटिलिटी मिल जाएगी, लेकिन वो दारू वो शराब उसके लिए किसी भी तरह से यूजफुल नहीं है। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। स्टूडेंट्स जल्दी से आगे बढ़ते हैं और लेते हैं फिफ्थ पॉइंट को, और वो है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। अब स्टूडेंट्स आपको यहां बता दूं कि यूटिलिटी हमारे को पता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें किसी प्रोडक्ट से यूटिलिटी तो मिल जाती है लेकिन वो जो चीज होती है वो चीज हमें किसी भी तरह का प्लेजर या हैप्पीनेस नहीं देती। अब इसके लिए जो एग्जाम्पल है आपके सामने है, आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं उसको स्टूडेंट, वो है कि इंजेक्शन फॉर अ पेशेंट हैज यूटिलिटी बिकॉज इट क्योर्स द एलमेंट बट इट हार्डली गिव्स एनी एंजॉयमेंट और प्लेजर टू हिम। स्टूडेंट्स अगर कोई पर्सन बीमार होता है, किसी पर्सन की तबीयत खराब होती है, तो उसे
इंजेक्शंस में, मेडिसिंस में यूटिलिटी तो मिल जाती है, बट वो बिटर मेडिसिंस और इंजेक्शंस लेकर उसे किसी तरह का हैप्पीनेस या किसी तरह का प्लेजर नहीं मिलता। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, यानी यूटिलिटी एक अलग कॉन्सेप्ट है और प्लेजर या हैप्पीनेस मिलना, इंजॉयमेंट मिलना एक अलग कॉन्सेप्ट है। चलिए स्टूडेंट्स जल्दी से ले लेता हूं सिक्स पॉइंट को। सिक्स पॉइंट है हमारा यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फेक्शन, यानी यूटिलिटी एक अलग चीज है और सेटिस्फेक्शन मिलना एक अलग चीज है। यूटिलिटी प्रोडक्ट का, कमोडिटी का जो पावर होता है, जो हमारी वांट को सेटिस्फाई करता है वो, जबकि सेटिस्फेक्शन उस प्रोडक्ट को खाने के बाद हमें क्या फीलिंग मिली, जो एंड रिजल्ट मिला उसे हम कहते हैं सेटिस्फेक्शन। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेना होगा हमें ताकि हम उसे समझ सकें कि यूटिलिटी अलग कैसे और सेटिस्फेक्शन अलग कैसे। स्टूडेंट्स मान लीजिए कि आपको मैंगो खाने का बहुत इच्छा हो रहा था, मैंगो खाने की बहुत इच्छा थी। आपने अपने मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे मैंगो खाना है, मुझे आम खाना है। आपकी मम्मी बाजार गई और आपकी मम्मी ने वहां पर मैंगो देखकर ये रियलाइज किया कि मैंगो खाकर मेरे बच्चे की वांट पूरी होगी और उन्होंने आपके लिए मैंगो बाय कर लिया। अब मम्मी ने जब मैंगो बाय किया ये सोचकर कि इसे खाने से मेरे बेटे की वांट सेटिस्फाई होगी, मतलब उसे यूटिलिटी मिल जाएगी। अब मम्मी घर पर आ जाती है मार्केट से और मम्मी मैंगो कट करके आपको कंज्यूम करने को देती है। स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि मैंगो में आपके लिए यूटिलिटी थी, यानी मैंगो खाकर आपकी वांट सेटिस्फाई हो सकती थी, लेकिन मम्मी जो मैंगो काट कर आपके सामने रखती हैं और आपको देती हैं वो मैंगो वो आम के टेस्ट में बहुत ही ज्यादा खट्टे होते हैं, सार होते हैं, और खट्टे आम खाकर आपकी जो मैंगो खाने की वांट थी वो सेटिस्फाई नहीं हो पाती, क्योंकि खट्टे आम हमें पसंद नहीं होते हैं। तो यहां पर एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि यूटिलिटी थी, मैंगो में यूटिलिटी थी, लेकिन उन मैंगो को खाकर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं, आपको सेटिस्फेक्शन मैंगो खा खट्टे मैंगो खाकर नहीं मिल पाया। तो हम यहां पर कहेंगे यूटिलिटी इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड सेटिस्फेक्शन इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जल्दी से ले लेते हैं अपने सेवन पॉइंट को जो आपके स्क्रीन पर है, और वो है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। स्टूडेंट्स आपको बता दूं यूटिलिटी के बारे में कहा जाता है कि यूटिलिटी एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो होती है उनका हम कार्डिनली या न्यूमेरिकल जो मेजरमेंट है वो कभी नहीं कर सकते। मतलब हमें प्रोडक्ट को कंज्यूम करके क्या यूटिलिटी मिला हम कभी नंबर्स में नहीं बता सकते। क्या कभी आपने देखा है कि पानी पीने के बाद आपने कहा मुझे 100 यूटिलिटी मिला, या किसी ने खाना खाने के बाद कहा मुझे तो इससे 75% यूटिलिटी मिला? हम कोई भी नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है और वो हमारे माइंड से रिलेट होती है। हमारे माइंड को ये फीलिंग आती है कि हाँ हमारी इच्छा पूरी हो गई है। हम इसे नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं करते या हम इसे नंबर्स में नहीं बता सकते, हमें ये समझना होगा। हाँ हम ये बता सकते हैं कि हमारी वांट पूरी सेटिस्फाई हो गई है, थोड़ी सेटिस्फाई हुई है, कम सेटिस्फाई हुई है। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यूटिलिटी में भी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है। नेगेटिव का मतलब ये होगा कि वो प्रोडक्ट में आपको सेटिस्फाई करने वाला पावर नहीं है, उसे ही कहते हैं डिस यूटिलिटी, उसे कहते हैं नेगेटिव यूटिलिटी। तो ये तो बात हो गई पॉइंट नंबर सेवन की। स्टूडेंट्स जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और लेते हैं हमारे एट पॉइंट को जो आ रहा है आपके स्क्रीन पर, जल्दी से देख लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट है यूटिलिटी इज अ मल्टीपर्पस, यानी यूटिलिटी जो है वो एक से ज्यादा पर्पस के लिए यूजफुल है, या एक कमोडिटी हमारे बहुत सारे वांट्स को सेटिस्फाई कर देता है। स्टूडेंट्स अ कमोडिटी कैन सेटिस्फाई द वांट ऑफ मोर देन वन पर्सन। एक प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों की इच्छाओं को पूरा कर सकता है। एक ही प्रोडक्ट जैसे ड्रिंकिंग वाटर है, पीने का पानी बहुत सारे लोगों की वांट्स को पूरा करता है, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं इट कैन ऑल्सो बी पुट टू सेवरल यूजेस, या एक ही कमोडिटी को हम बहुत अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो होता है स्टूडेंट्स हम उसे अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं और अपनी मेनी वांट्स को सेटिस्फाई कर लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का पर्पस होता है लाइटनिंग के लिए, आयरनिंग के लिए, टेलीविजन के लिए, वॉशिंग मशीन के वर्किंग के लिए, मोबाइल चार्जिंग के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि यूटिलिटी इज अ मल्टीपर्पस, एक ही प्रोडक्ट के हम मल्टीपर्पस यूज ले लेते हैं, या एक प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों की वांट को सेटिस्फाई कर देता है। तो ये तो बात हो गई पॉइंट नंबर एट की। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और लेते हैं हमारे पॉइंट नंबर नाइन को जो आपके स्क्रीन पर है। स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर नाइन आ रहा है यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। स्टूडेंट्स आपको यहां पर बता दूं यूटिलिटी के बारे में कहा जाता है कि यूटिलिटी डिपेंड होती है इंटेंसिटी के ऊपर। इंटेंसिटी का मतलब है स्टूडेंट यहां पर अर्जेंसी, अर्जेंसी यानी कौन सी चीज की आपको कितनी अर्जेंसी है। जो चीज आपके लिए जितनी अर्जेंट होगी उसका यूटिलिटी आपके लिए उतना ही ज्यादा होगा, और जो चीज आपके लिए जितनी कम अर्जेंट होगी आपको उस चीज के लिए बहुत कम यूटिलिटी होगी। एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग ताकि इस पार्ट को अच्छे से समझ सके। दो पर्सन है, इसमें से एक पर्सन बहुत हंगरी है और एक पर्सन को भूख नहीं लगी है, वो हंगरी नहीं, और अगर इन दोनों के सामने हम खाना या फूड आइटम्स रख देते हैं तो स्टूडेंट किस आदमी को ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी, कौन ज्यादा इंटेंस्ड होकर खाना खाए,
यस यू आर राइट, जो भूखा पर्सन है, जिसे भूख ज्यादा लगी है, वही खाने की तरफ टूट पड़ेगा और जल्दी जल्दी खाना खाने लगेगा, क्योंकि उस खाने से उसे बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिलने वाली है। जबकि जिस पर्सन का पेट भरा हुआ है, जिसे ये भूख नहीं है, वो आराम से बैठा रहेगा। सो यहाँ पर एक्सपर्ट्स कहते हैं यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ अ वांट और अर्जेंसी ऑफ अ वांट। चलिए चलिए जल्दी से ले लेता हूँ लास्ट पॉइंट को, जो है आपके स्क्रीन पर, और ये पॉइंट है हमारा यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। स्टूडेंट्स याद रखिए, कोई भी पर्सन किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कब करेगा, कब किसी प्रोडक्ट को बाय करेगा, जब वो प्रोडक्ट कंज्यूमर के वांट्स को सेटिस्फाई करेगा, हम ह्यूमंस के वांट को सेटिस्फाई करेगा, तभी हम उस प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे। यानी अगर उस प्रोडक्ट से यूटिलिटी मिलेगी तो ही डिमांड होगा, अगर कोई प्रोडक्ट से हमें यूटिलिटी नहीं मिलेगी तो हम उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो स्मोकर है वो तो सिगरेट्स की डिमांड करेंगे, वो तो सिगरेट्स को बाय करेंगे, लेकिन जो नॉन स्मोकर्स हैं वो सिगरेट को बाय नहीं करेंगे, वो उसकी डिमांड नहीं करेंगे। इसलिए लास्ट पॉइंट में ये कहा गया यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड, यानी यूटिलिटी ही बेस है डिमांड क्रिएट होने का। सो अगर प्रोडक्ट से यूटिलिटी मिलेगी तो लोग उसकी डिमांड करेंगे, और अगर प्रोडक्ट से हमें यूटिलिटी नहीं मिलेगी तो हम उसकी डिमांड नहीं करेंगे। इस वीडियो को आप यहीं पे वाइंड अप कर लेते हैं, टोटल 10 पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। आप अपना ध्यान रखें, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखें, अपने क्रिएटर को हमेशा याद रखें। गॉड ब्लेस यू।